नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर से बस्ती जिले के मुंडेरवा चीनी मिल का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले यहां के पूर्व कर्मचारियों का अनशन है, हड़ताल है, आंदोलन है अपनी मांगों को लेकर। उनकी मांगे क्या है आपको हम पहले जानकारी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं उनकी मांगे क्या है। पुराने कर्मचारियों की मांग है कि उनको नए जो मिल शुरू हो रहा है उसमें उनका समायोजन किया जाए। इसके अलावा जो कर्मचारी इस दुनिया में नहीं है, अर्थात वो मर चुके हैं, उनके आश्रितों को मिल में नौकरी दी जाए। इसके अलावा अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो राज्यपाल ने एक निर्देश दिया था कि सन 2008 तक सभी मजदूरों का वेतन भत्ता सहित सभी चीज़ें भुगतान कर दी जाए। ये उनकी मुख्य मांगे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर वो लोग अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों उन लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओडीएस से आश्वासन भी मिला था, लेकिन यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक गहरी नींद में हैं। उनकी नींद अभी तक खुली नहीं है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि यहाँ लोग अनशन कर रहे हैं, यहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये कहावत है, जिसको दिल्ली की हवा लग जाती है उसे अपने ज़मीन से क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ तमाम आंदोलन कर रहे हैं लोग, उनसे हम बातचीत करेंगे। अब उनकी मांगे क्या है, मांगे मैंने आपको पहले बता दिया है। अब उनका अनशन आज पांचवा छठवां दिन लगातार है और वो कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ जो लोग हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बातचीत करना चाहेंगे, आप एक दो लोग आगे आइए। एक दो लोग आ गए हैं, उनसे बातचीत कर हम जानेंगे। इनको होश में आओ कि ये नारे लग रहे हैं। जरा आ रही है आप लोग, एक लोग मुख्यमंत्री को होश में, लेकिन मुख्यमंत्री से आश्वासन मिल चुका है और आश्वासन दे दिया जा चुका है, लेकिन उसके पहले होश में आओ के यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं उन लोगों का। आपका नाम क्या है और अनशन क्यों चल रहा है आपका? हमारे कर्मचारियों को नहीं रखा जा रहा है, नई मिल बनाई जा रही है जिसमें प्रशासन न सुन रहा है, न यहाँ का मैनेजर सुन रहा है, न मुख्यमंत्री सुन रहा है, न प्रधानमंत्री सुन रहा है, न हमारा एमडी सुन रहा है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अब यही है कि कैसे सबका साथ और सबका विकास हो रहा है, जबकि हमारे क्षेत्र में ये मुंडेरवा फैक्ट्री बन रही है और हमारे अथवा यहाँ क्षेत्र के कोई अथवा कर्मचारी को नहीं रखा जा रहा है, जो अपना पूर्वजों वर्षों से अथवा अपना खून पसीना बहा करके आज तकल आसे में बैठा था, आज तकल कोई अथवा का अधिकारी नहीं अथवा नौकरी देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसके लिए हमारा मजदूर एक संघर्ष ठान लिया है कि हम लोग अपनी आगे कदम यही है कि हम लोग का रोजी रोटी नहीं मिला तो हम लोग इस सड़क पर और अथवा रेलवे पर चक्का जाम करेंगे और रोजी रोटी लेकर। यहाँ से ये आपके साफ जो है निर्देश है, साफ जो है संदेश दे दिया गया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं वो लोग अनशन करेंगे, सड़क जाम करेंगे, रेलवे ट्रैक पे रेलगाड़ियों का जो है आवागमन रोकेंगे। तो यहाँ साफ है अपनी मांगे मनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और भी लोग हैं। अब ये एक बात, एक चीज और। अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार मिश्रा। कर्मचारी रहे हैं? जी हाँ। क्या कहना आपका? मेरा कहना है कि मैं जो है, हम लोग, हमारे कर्मचारी बंधु इतना दिन से सांस में बैठे हुए थे कि चीनी मिल चलेगी, पुनः हम लोगों का रोजगार हम लोगों को मिल जाएगा, मगर मैनेजमेंट से लेकर के और शासन तक कोई हम लोगों की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम प्रेम से इनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांग को माना जाए। हमारा प्रेम के बाद अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि इनको यहाँ मलेट्टी लगा के फैक्ट्री चलानी पड़ेगी अगर हमारी मांगे नहीं मानते हैं। क्या करेंगे? हम लोग शहीद हो जाएंगे डोंगे में कूद करके। अच्छा, गन्ने के साथ पिरा जाएंगे? हाँ, हम लोग गन्ने के साथ शहीद हो जाएंगे उसमें। अच्छा, और क्या बहेगी? खून की धारा बहेगी। कैसे बहेगी? हम लोग डोंगे में कबल पेराई अपना करवाएंगे। जब हमको रोजी रोटी नहीं मिलेगा, हमारा रोजी रोटी छीना जा रहा है, तो हम लोग खुद शहीद होंगे उसमें। अच्छा, खुद शहीद हो जाएंगे? हाँ, खुद शहीद होंगे। और मतलब यही साफ संदेश है कि मांगे नहीं मानी तो मर जाएंगे। हाँ, मर जाएंगे, वो कबूल है। जिंदा रहना नहीं ठीक है, क्योंकि हम लोगों की रोजी रोटी जा रही है। क्या नाम है? मंतुराम जी। आपका क्या नाम है? हाँ, हेलो सर, मेरा नाम जगराम प्रसाद गोंड है। आज हमारा जो है
ये धरना जो है 8 तारीख से चल रहा है, अगर जो है 15-16 तक हमारा फाइनल नहीं हुआ तो हम लोग भी आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे अपनी जाने। जी गन्ने के साथ अभी पहने जाएंगे। जी 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 हम भी चले जाएंगे। तो नहीं होगा, भाग जाएंगे बाद में? नहीं नहीं सर, नहीं भागेंगे हम लोग, हम भागने वाले नहीं है सर। हम आमरण अनशन पर हमारी भी जो है मूर्ति यहाँ लग जाएगी वो मैं जो भाई मजदूर एकता जिंदाबाद। लोगों का यहाँ साफ संदेश है कि भाई गन्ने के साथ वो डोंगे में पिरा जाएंगे, अपनी मांगे बिना माने नहीं जाएंगे। आपका क्या नाम? हमारा गोपीनाथ नाम है। खेत गया, क्या गया आपका? हम लोगों की जमीन चली गई है। किसमें? वो फैक्ट्री जहाँ बन रही है, फैक्ट्री में। हाँ, 1999 में जो है पैसा मिला है हम लोगों को। नौकरी जो है पुरानी चीनी मिल में मिल गई थी, संविदा पर थे हम लोग 5 साल, उसके बाद जो है 3.5 साल नौकरी अस्थाई में मिल गई थी। अच्छा। तो तब से फैक्ट्री बंद हो गई। क्या नाम है आपका? हमारा गोपीनाथ नाम है। हाँ, और बताइए। और हमारे जो और बाकी भाई छूटे हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का भी जो है समायोजन किया जाए। समायोजन किया जाए? हाँ। तो भाई इनका जो है जमीन गया है और इनका एक इनको भी नए मिल में समायोजन किया जाए, जिससे उनको रोजगार मिल सके, रोजी रोटी चल सके। अक्सर एक चीज होता है कि भाई जब भी बात आती है मजदूरों और किसानों की, मजदूर और किसान ही भारत के भाग्य निर्माता होते हैं, लेकिन कई बार इन्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। और भी लोगों से हम जानेंगे कि क्या बातचीत करना चाहिए। अब मैं पकड़े रहूंगा, आप छोड़ दीजिए, बोलिए। हाँ, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार शुक्ला। हम देवरिया जनपद से रहने वाले हैं और हम 1984 में यहाँ नौकरी किए और उसके बाद लगातार जो है फिर बीच में जो है फैक्ट्री बंद जब हुई है तो ये BRS स्कीम लाए हैं। BRS का मतलब है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। मेरी इच्छा हो तो मैं नौकरी करूं, मेरी इच्छा ना हो तो मैं नौकरी ना करूं। तो जब इसके सिस्टर यूनिट बगल में है तो उसमें हमारा क्यों नहीं समायोजन किया गया? और हम लोग स्टे था, स्टे के बाद भी हम लोग पाए जबरदस्ती, ना कोई नोटिस हमको दिए ना कुछ दिए, हमको जबरदस्ती छांट दिए। और छांटने के बाद जब प्लांट चल रहा है ऐसी दशा में, इनका पूर्ण वो है कि सबका साथ सबका विकास, और हम न धर्म को बांटेंगे न जात को बांटेंगे, सबको लेकर चलेंगे, सबका विकास करेंगे। मजदूर जो 20 साल से खाने एक एक रोटी बिना मर रहा है उस पर अब ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम यही होगा, या तो हम लोग आत्मदाह करें या तो अमरण कर अनशन करके अपनी जान दें। कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं रहा दे रहा है। अगर यह सरकार हमारी नहीं सुनी तो हम ट्रेन से भी कटने के लिए तैयार, जब हमारा पेट ही नहीं भरेगा तो हम जी के करेंगे क्या? ऐसी दशा में आप लोगों से कहूँगा, जिंदाबाद। और दूसरी चीज की ऑप्शन इनके पास एक ही है, या तो इन्हें नौकरी मिले नहीं तो यह शहीद होंगे। और जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ कुछ सालों पहले एक आंदोलन हुआ था जिसमें 3 किसानों की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद उनकी यहाँ प्रतिमा लगाई गई है। तो यहाँ भी संदेश साफ है कि भाई चलो जीते जी नौकरी नहीं मिलेगी, मरने के बाद कम से कम प्रतिमा तो लग जाएगी, लेकिन उस प्रतिमा का महत्व कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा इनकी मांगे पूरी होती हैं या फिर, जब ये 24 फरवरी को मिल जब शुरू होगा तो ये लोग जाके आंदोलन करते हैं, अनशन करते हैं, हड़ताल करते हैं, ट्रेनें रोकते हैं, बसें जलाते हैं, किस तरह क्या काम होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।